देखते हैं बस। लगाओ देखो आप। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग, आई होप अच्छे होंगे। तो कल हमारी वैष्णो देवी की यात्रा हो चुकी थी, हम आके जो सो गए, बहुत थके हुए थे। अभी दोपहर का टाइम है और अब हम उठ गए हैं और तैयार हो गए हैं, बाहर जाते हैं। कुछ कन्याएं हैं, आज अष्टमी का दिन है तो कन्याओं को जिमा देंगे, मतलब उनको केले वगैरह या ऐसा कुछ दे देंगे। कन्या को देने के लिए केले ले लिए हैं हमने। छिन्ना झपटी करी, मैं तो भूल ही गई किसे दिया और किसे नहीं दिया। रात के 8 बज गए और हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए और बहुत ज्यादा थक गए। सारा दिन हम बस लेटे रहे, पैर दर्द, थकान बहुत ज्यादा। मार्केट देखिए रात को कितना खूबसूरत लग रहा है, टूरिस्ट की भीड़ ही भीड़ है। बस अब खाना खा के और फिर लेटेंगे, कल देखते हैं कहाँ जाएंगे हम। कटरा में भी ठंड बहुत हो गई है, अब अच्छी खासी ठंडी हवा चल रही है। मार्केट देखिए रात को कितना खूबसूरत लग रहा है, टूरिस्ट की भीड़ ही भीड़ है। हमने पूरे मार्केट का ना बस ऐसे ही चक्कर लगा दिया घूमने के लिए। रात को बहुत अच्छा लग रहा था कि मार्केट देख लेते हैं। वैष्णो देवी की यात्रा पूरी हमारी हो गई थी, कल हम सारा दिन जम्मू में ही रुके और आज हम हैं यहाँ से, अब हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं यहाँ से अमृतसर। बाय बस जाएंगे क्योंकि ट्रेन तो यहाँ से दो ही हैं और उनमें रिजर्वेशन मिला ही नहीं है, तो अभी बाय बस हम वो स्लीपर क्लास वाली हैं। हम लोग अमृतसर तक की यात्रा ये स्लीपर क्लास बस में करेंगे, 6 घंटे लगेंगे हमें इसमें जाने में। मैंने तो फर्स्ट टाइम ही स्लीपर क्लास बस में ट्रैवल किया है, इससे पहले मैं कभी नहीं गई हूँ, लेकिन ये काफ़ी कंफर्टेबल है और इसमें ना बहुत अच्छे से हमारी यात्रा होती रही। बाहर के नज़ारे देखते हुए पता ही नहीं चला कि सफर कब खत्म हो गया। बस चली तो बाहर के दृश्य इतने सुंदर थे ना, पहाड़ी एरिया और इतना खूबसूरत लग रहा था ना, तो कि देखते ही बन रहा था, दिल इतना ज़्यादा लग रहा था वहाँ पे इस सफ़र में ना कि मैं बयान नहीं कर सकती। सच में प्रकृति की सुंदरता का अपना एक अलग ही रूप है।
मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है वैसे बस में सफर करने में, ढेर सारी बातें कर रहे हैं आराम से। तो हमारी बस यहाँ पे रुकी है 15 मिनट खाना खाने के लिए। हमने खा लिए, आ गए हम 20-25 मिनट रुके हमारी बस यहाँ पे। पठानकोट आ गए हम और हमारा अपना नेट चल गया है, मतलब सिम भी हमारे चालू हो गए हैं। पंजाब शुरू होती है, हरा भरा माहौल बन जाता है सारा, कितना बड़ा बाग है। शाम होने लगी है, शाम के 6 बजने वाले हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक अगर आप करते हैं तो उससे हम भी मोटिवेट होते हैं और हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि हम और अच्छी वीडियो आगे बनाएं और आपको दिखाएं। और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। लेकिन ना पंजाबी में लिखा हुआ है कौन सी जगह कौन सा टोल है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। सवा 6 हुए हैं और हम अमृतसर पहुंच चुके हैं, मतलब अभी हम बस स्टैंड नहीं पहुंचे लेकिन ये अमृतसर स्टार्ट हो गया है। बस हमें गोल्डन टेंपल पे ही छोड़ेगी। 6:30 बजे हम लोग अमृतसर पहुंच गए हैं। ये अब बस हम उतरने वाले हैं बस से। तो हमारी बस गोल्डन टेंपल नहीं गई क्योंकि उस दिन अमृतसर का माहौल थोड़ा बोझिल था, क्योंकि अमृतपाल सिंह जो कि शायद खालिस्तान के समर्थक हैं उनके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो सरेंडर करने वाले थे और उन्होंने कहा था कि वो गोल्डन टेंपल पर ही सरेंडर करेंगे। तो गोल्डन टेंपल पर उस दिन बहुत ज़्यादा पुलिस फोर्स थी और बस को या किसी भी बड़े व्हीकल को गोल्डन टेंपल के पास पुलिस जाने ही नहीं दे रही थी। तो ये बात हमें वैसे पहले से पता थी कि वहाँ का माहौल थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम अमृतसर चले गए। तो बस से उतरने के बाद हमें ऑटो करके गोल्डन टेंपल ही जाना था, क्योंकि होटल्स वगैरह जो भी हैं वो सब गोल्डन टेंपल के आसपास ही हैं। एक बात मैं यहाँ और कहना चाहूँगी कि अमृतसर की बहुत अच्छी इमेज मेरी नज़रों में नहीं बनी, क्योंकि वहाँ का हर आदमी टूरिस्ट से जैसे भी हो पैसा लेने के चक्कर में था। तो बहरहाल हम ऑटो करके और गोल्डन टेंपल तक गए, वहाँ पे हमने होटल देखा, होटल लेने में काफ़ी टाइम हमारा निकल गया, 2 घंटे लगे, क्योंकि हर आदमी चाहे वो ऑटो वाला हो चाहे कोई भी हो सब तो वहाँ पे एजेंट थे, सब पैसा खाने के चक्कर में थे, रेट ज़्यादा बता रहे थे जबकि रूम वो उस लायक थे ही नहीं जितने वो रेट बता रहे थे, लेकिन फिर भी बहरहाल हमने रूम ले ही लिया। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अमृतसर, हमें रात हो गई है पहुंचते पहुंचते और अब खाना खाएंगे पहले, देखते हैं क्या करते हैं, गोल्डन टेम्पल घूम पाते हैं, मार्केट घूमते हैं, क्या करते हैं।
मौसम बहुत ठंडा हो गया, बहुत ठंडी हवा चल रही है, हल्की सी बूंदाबांदी भी हो रही है। खाना खाने के बाद हम लोग जब बाहर आए तो आपने देखा ही कि बारिश हो रही थी, मौसम बहुत ख़राब हो गया था, तो हम गोल्डन टेंपल भी नहीं घूम सके क्योंकि रात भी काफ़ी हो गई थी और हम लोग थक भी बहुत ज़्यादा गए थे। पूरे दिन का सफ़र था और उससे ज़्यादा हमें होटल लेने में जो इतना हमारे 2 घंटे लगे ना, उसमें हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ और हम लोग काफ़ी थक गए। तो फिर हम लोगों ने थोड़ा सा मार्केट घूमा, ये जो आप देख रहे हैं ये गोल्डन टेंपल के पास का ही मार्केट है, सारे टूरिस्ट यहीं से शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग करने के लिए यहाँ पे सूट और दुपट्टे बहुत अच्छे अच्छे थे जो कि मैंने भी लिए हैं, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। बहरहाल एक थका देने वाले दिन के बाद मैं अपने इस ब्लॉग का एंड करती हूँ।